बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप भाई भाभी बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्वनी एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अश्वनी ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्वनी परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापिस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा सफ़र बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्वनी उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रात खत्म हुआ। सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्वनी की तरफ देखने लगी। अश्वनी भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। अश्वनी से नजरें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्वनी भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्वनी शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ पर मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अश्वनी यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा काम है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अश्वनी अपने परिवार वालों से बातचीत में इतना मगन हो गया कि एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्वनी को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना नाश्ता बनाना यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार के लिए खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय शोभा के। अश्वनी चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्वनी और शोभा अच्छे से मिल पाए। अश्वनी शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्वनी कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी तो अश्वनी उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया।
अश्वनी बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा फिर से उसे किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अश्वनी सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्वनी अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम न कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। अश्वनी के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अश्वनी ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे अश्वनी शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अश्वनी शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अश्वनी को ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के अश्वनी को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अश्वनी हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अश्वनी को समझाया था, अश्वनी भी उनकी बातों में आ गया। अब अश्वनी शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अश्वनी को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अश्वनी ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे दो बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अश्वनी कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अश्वनी ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो अपने पैसों की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने भी अश्वनी को इजाज़त दे दी। अश्वनी चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी शहर में। अब शोभा नौकरी करती और अश्वनी घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अश्वनी के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थीं। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता। अश्वनी अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ रहता। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्वनी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अश्वनी के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अश्वनी को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है, क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का है? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी
उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। अश्वनी को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अश्वनी की आंखों में बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।